हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? ठीक हैं? मस्त है? तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स आया था, जिसमें आपका दो कोर्स था, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स में आपका दो कोर्स आया था और सर्टिफिकेट कोर्स में आपका चार कोर्स आया था। तो आप लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था एडमिशन के लिए, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन था शॉर्टलिस्ट होने वाला था, तो आपका जो शॉर्टलिस्ट मेरिट लिस्ट का जो नोटिफिकेशन है पब्लिश हो गया है। इसके बाद आपको एडमिशन का डेट दिया गया है, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा बिफोर 24 अगस्त, जो आपका कोर्स फी है पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने नोटिफिकेशन के रिलेटेड बात किया था, तो आप लोग नोटिफिकेशन का वीडियो देखा नहीं है तो आप नोटिफिकेशन का वीडियो देख सकते हैं, चैनल में दिया गया, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो शॉर्टलिस्ट हो गया आपका नाम, इसके बाद जो आपको कोर्स फी देना पड़ेगा, तो कोर्स फी देने के लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर दिया गया, देखिए, ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर AU ODL शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट कोर्स। तो ऑनलाइन एडमिशन लिंक का यहाँ पर दिया गया, आपको ऑनलाइन एडमिशन लिंक पर क्लिक करके आपको जो कोर्स फी है देना पड़ेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सा है, उसमें दिया गया डिटेल। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आप, तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है AAUODL.AC.IN, इस पे आपको आ जाना है, ठीक है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे नीचे में आ जाना, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू टेक एडमिशन। तो इसमें क्लिक करके अब जो कोर्स फी है आपको सबमिट करना पड़ेगा AAUODL का, नहीं तो आप लोग यहाँ पे है ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर AAUODL शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट कोर्स, यहाँ पे भी क्लिक करके आप लोग कोर्स फी जो है आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए, क्लिक हियर टू टेक एडमिशन है, यहाँ पे क्लिक करने से जो आपका गूगल फॉर्म का लिंक है वो खुल जाएगा, तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट था, यहाँ पे आपका जो कोर्स था वेस्ट रिसाइकलिंग एंड वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी था, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट था। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्स में नर्सरी मैनेजमेंट, बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्म सुपरवाइजर, बेसिक बाय इन्फॉर्मेटिक्स, ये सबका फॉर्म फिलअप हुआ था। इसके बाद जो आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट आया है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया गया, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद इसका जो एडमिशन है, इसका जो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा बिफोर द लास्ट डेट आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन दिया गया है 24/08/2023। इसके बाद ऑनलाइन कोर्स आपका 28/08/2023 से स्टार्ट होगा। क्लिक हियर टू टेक एडमिशन में क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका, जो गूगल फॉर्म जो फिलअप करना पड़ेगा आपको, ऐसा खुल जाएगा, एडमिशन फी फॉर्म फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर AAUODL कोर्स 2023 Call 3, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, आपका ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम एंटर करना पड़ेगा, इसके बाद सिलेक्ट कोर्स यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर। तो यहाँ पे जो कोर्स है आप लोग को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बोला गया है, कौन सा कोर्स में आपने अप्लाई किया था और कौन सा कोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड जो मेरिट लिस्ट आया पब्लिश हुआ, मैंने सारा दिखाया था, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिस्ट फॉर डायरी फॉर्म सुपरवाइजर, सारा डिटेल्स दिखाया गया है। तो आपको जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का डिटेल है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वो क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो गूगल फॉर्म का लिंक है, एक कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर जो है एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद एडमिशन फी, तो एडमिशन फी का डिटेल्स हम लोग देखेंगे, उसके पहले हम लोग नीचे में देख लेते हैं और क्या डिटेल्स है। इसके बाद एंटर पेमेंट रेफरेंस नंबर, UTR UPI ट्रांजेक्शन आईडी, तो यहाँ पे आपको जो UPI ट्रांजेक्शन आईडी है पेमेंट करने के बाद जो मिलेगा वो एंटर करना है। इसके बाद जो अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट रिसीव है, जो आपको जो पेमेंट रिसीव है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, एड फाइल जो आपका PDF फाइल होगा, आपका स्क्रीनशॉट JPG इमेज होगा। तो इसके पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे दिया गया हाउ टू पे, तो आप लोग कैसे पे कीजिएगा, क्लिक है टू ओपन पेमेंट लिंक है और एक है यहाँ पे, तो कोई एक क्लिक करने से आपका हो जाएगा। तो जो SBI कलेक्ट का पेमेंट लिंक है वो खुलेगा, यहाँ पे आपको आ जाना है, फिर यहाँ पे सर्च और इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने से आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा आएगा, यहाँ पे फिल्टर बाय स्टेट है, तो यहाँ पे आपको आसाम करके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आसाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आसाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे AAUODL RF आ जाएगा, नहीं तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे AAU आप क्लिक करने से आपका AAUODL RF दिया गया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्यों AAUODL RF चाहिए, यहाँ पे आपको देख लीजिए, नाउ ये लिस्ट एजुकेशन विल अपियर एंड सिलेक्ट AAUODL RF, तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। AAUODL RF जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने से ऐसा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया जाएगा एंटर पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द कंप्यूटर असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट असम, ये आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है पेमेंट कैटेगरी में, इसके बाद जो सा कोर्स में आप लोग का शॉर्टलिस्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ है, उसमें जहाँ पे नाम है वो कोर्स आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद का नेक्स्ट आ जाएगा एप्लीकेंट नेम एंटर करना पड़ेगा, नेम ऑफ द फादर एंटर कीजिएगा, मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, इसके बाद पेमेंट, तो आपका जो पेमेंट है पेमेंट अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए अकॉर्डिंग एनिमल हेल्थ के लिए आपका 2010 रुपीज़ है, अगर आप लोग का अलग है जैसे फार्म सुपरवाइजर है तो फार्म सुपरवाइजर के लिए आपका जो एप्लीकेशन फी है 10,010 रुपीज़ है, ऐसा आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। सारा डिटेल्स आ जाएगा, रिमार्क्स आ जाएगा। इसके बाद एंटर योर डिटेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिविजुअल ही होगा, आपका नेम एंटर कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिएगा, मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, इसके बाद ईमेल आईडी, जिस टाइम आप लोग एप्लीकेशन फी दे रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे, वो जो डिटेल्स दिया था सेम डिटेल्स आपको फिल करना है, दूसरा डिटेल्स कोई फिल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा एंटर कीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा आपका खुल जाएगा, जो आपका पेमेंट है पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जो SBI क्लर्क का है, तो आपको थोड़ा देर टाइम लगेगा। इसके बाद वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स आएगा, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
एडीएल ओआरएफ आ जाएगा, आपका सारा डिटेल्स रहेगा, आप लोग कर चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका पेमेंट क्रेडिट रहेगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, नेम ऑफ फादर रहेगा, टोटल अमाउंट रहेगा। इसके बाद नीचे आ जाना है, मोबाइल नंबर दिखाई देगा, पेमेंट आपका पेमेंट अमाउंट दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो आपका फाइनल ट्रांजैक्शन अमाउंट है, आप किस तरह करना चाहते हैं, एसबीआई बैंक, एसबीआई अदर नेट बैंकिंग जो है ऑप्शन, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके बाद प्रीपेड कार्ड है, ब्रांच है, एनएफटी, आरटीजीएस है, यूपीआई है, ठीक है। यूपीआई से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने के लिए एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूपीआई इज नॉट अवेलेबल बिटवीन 22:30 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड एंड 23:30, तो आपका 10:30 से 11:30 के बीच में यूपीआई अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके पहले करना है, नहीं तो उसके बाद में करना है, ठीक है। इसके बीच में आप लोग को पेमेंट करना है। इसके बाद आपका जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिया गया था, मैंने आपको बताया और एक बार, ठीक है, आपका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपका 24/08/2020 थी, तो इसके पहले आपको जो कोर्स फी है पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके पहले आप लोग कोर्स फी पेमेंट कर दीजिएगा। ये सारा डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके अपलोड पेमेंट रिसिप्ट जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आपको एंटर करके इट फाइल करके अपलोड कर देना। इसके बाद ईटीआर नंबर यहाँ पे एंटर करना है, इसके बाद सबमिट जो ऑप्शन है एक क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, तो आप लोग इसी तरह सारा डिटेल्स फिल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही था आपका जो कोर्स फी का सारा डिटेल्स जो फिल करना है, यही सारा डिटेल्स था, आप लोग इसी तरह अपना जो कोर्स फी का फॉर्म है गूगल फॉर्म इसी तरह फिलअप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, वीडियो हेल्पफुल होगा तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वो बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा, जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन बार लेटेस्ट नोट्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये आपका बारकोड डिस्कॉनर है और आपका जो लिंक है डिस्कॉनर दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड।